लाइफ इंश्योरेंस लेना मस्ट है, सबके पास जरूर होना चाहिए, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले कुछ चीजें ध्यान में भी रखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये कि लाइफ इंश्योरेंस को एक टैक्स सेविंग टूल की तरह ऑपरेट ना करे, टैक्स बचाने के लिए बार बार लाइफ इंश्योरेंस ना ले, अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो मेन एजेंडा है वो मिस हो जाएगा, बहुत सारी पॉलिसीज आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी एंड आपका जो लाइफ इंश्योरेंस वाला पर्पस है यू विल मिस दैट। और टैक्स सेविंग के लिए और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, देन व्हाई वेस्ट एन नंबर ऑफ प्रीमियम्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस। दूसरी ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को मिक्स ना करें। जैसे कि यूलिप्स होते हैं, यूलिप्स आपको इन्वेस्टमेंट कवर भी देते हैं, साथ में आपकी लाइफ इंश्योर भी करते हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि दोनों का फुल फायदा नहीं उठा पाते। ना तो आपको लाइफ इंश्योरेंस का जो कवर है वो अच्छी तरह मिल पाता है, ना ही आपको मिलने वाला रिटर्न इन्वेस्टमेंट का वो बेहतरीन मिलता है। इसलिए इफ यू आर टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस देन कीप इट एज लाइफ इंश्योरेंस ओनली। इन्वेस्टमेंट के लिए और भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बट डू नॉट ट्राई टू मिक्स इट। तीसरी चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि लेसर कवर के लिए सेटल मत करिएगा प्रीमियम को देखते हुए। अगर आपको लगता है कि प्रीमियम हाई है तो आप ये सोचोगे काम करते हैं 50 नहीं तो 40 लाख का कवर ले लेते हैं। हाँ, इसके पीछे भी काफ़ी कैलकुलेशंस है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का कवर है वो आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 15 टाइम्स ज़रूर होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर कम से कम 1.5 करोड़ का जरूर होना चाहिए, तो आपका कवर एनुअल इनकम का 15 गुना होना चाहिए। उससे कम में अगर आप सेटल करोगे तो आपकी फैमिली को जरूरत पड़ने पर शायद पर्याप्त अमाउंट ना मिले। फोर्थ एंड लास्ट चीज जो आपको ध्यान में जरूर रखनी है वो ये है कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी ना हो कि आपकी रिटायरमेंट के बाद भी आपको बेनिफिट्स देती रहे। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है आपकी लाइफ को इंश्योर करना, कि अगर आपको कभी गलती से कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को किसी चीज की जरूरत ना पड़े, उनको एक प्रॉपर अमाउंट आपके इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल जाए। अगर मान लीजिए आप ही नहीं रहे तो रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट्स का कोई फायदा भी नहीं होता। ये एक तरह की अट्रैक्शन है जो पॉलिसी बेचने वाले पॉलिसी एजेंट्स आपको जरूर बताएंगे कि रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट्स मिलेंगे, ये मिलेगा। ऐसे झमेले में ना पड़े, पॉलिसी वो लें जो आपको आपके जीवन तक और आपके जीवन के बाद आपके परिवार को अच्छा खासा पैसा दे। बाद के बेनिफिट्स के चक्कर में आप अभी अपने प्रीमियम पर अफेक्ट ना आने दें। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले ये चार चीजों को ध्यान में जरूर रखें। अगर आपके भी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। तब तक हमारी वीडियोस देखते रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें।